गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी को सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद कासगंज के ब्लॉक कासगंज में स्थित भामो गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव की प्रधान मंजू देवी हैं। लगभग 5000 जनसंख्या व 1800 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण गांव में काफी मूलभूत सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में गांव में 45 परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं। साथ ही गांव में 25 विधवा पेंशन, 60 वृद्धा पेंशन, बवारा विकलांग पेंशन लाभार्थी पेंशन से वंचित हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 225 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में 57 हैंडपंप, 47 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व 22 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान ग्राम प्रधान की देखरेख में गांव में 4 सीसी टाइल्स रोड, खडंजा सीसी रोड, चक रोड, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 160 इज्जत घर। ग्राम प्रधानपति भामो डाकखाना किराला थाना ढोलना जनपद कासगंज ग्राम भामो से। गांव में जो विकास कार्य हुए हैं जो मैंने करवाए हैं उसमें 4 इंटरलॉक गलियां, 1 खरिंजा करवाया है, 1 मनरेगा से 160 मीटर और 2 प्रधानमंत्री आवास बनवाए हैं 17-18 में। गाँव में और भी विकास कार्य बहुत अच्छी शौचालय बनवाए हैं जिनमें कुछ काम चल रहा है, बाकी बन चुके हैं और शौचालय की मांग है। सोलर लाइट लगवाई है जिसमें 22 लाइट लगी हुई है लगवाई है। प्रधानमंत्री आवास या मनरेगा के तहत 160 मीटर करवाया है। मनरेगा के तहत चक्रोट और मिट्टी का नाली सफाई खंजा करवाया है। सरकार से अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि हमारे गांव के लिए पंचायत भवन के निर्माण का, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, बरात घर एवं स्वास्थ्य केंद्र और शमशान घाट का निर्माण कराया एवं 25 आवास पीएम आवास प्रधानमंत्री आवास दिलाए जाए और एवं 14 राजनीति की किस्त उन्हें दिलाने की कष्ट किया करवा दी जाए कि तत्काल हमारी इस ग्राम पंचायत की जो शिकायत मांग करता है उसको स्वीकार करके अनुरोध किया जाए।